नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के सात फेरों का बहुत महत्व है। इन फेरों के दौरान वर और वधु से सात वचन भी बुलवाए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए ये वचन क्या हैं? इनका अर्थ क्या है? संस्कृत में बोले जाने वाले ये वचन शादी कर रहे जोड़ों को भी ठीक से समझ नहीं आते, लेकिन इनका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं इन सात फेरों के वचनों का असली अर्थ। शुरू करते हैं पहले वचन से। पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव परिवय कुरया ममांग म्यामी तदाद्वतीय ब्रवीति वाक्य प्रथम कुमारी। इस वचन में कन्या वर से कहती है कि वह कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाए तो मुझे साथ लेकर जाए। आप कोई भी व्रत और धर्म कार्य करें तो आज ही की तरह मुझे अपने साथ स्थान दें। अगर आप इसे मानते हैं तो मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन है, पूज्यो यथा स्वपित्रो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वमांग म्यामी तदाद्वती ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में भी कन्या वर से कहती है कि वो जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह से मेरे माता पिता का भी सम्मान करें, ताकि हमारी गृहस्थी में किसी भी प्रकार का आपसी विवाद ना आ सके। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ। आइए आगे बात करते हैं तीसरे वचन की। तीसरा वचन है, जीवनम अवस्थात्रिय पालनाम कुर्यात वमांग म्यामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। विवाह का तीसरा वचन लेते हुए कन्या कहती है कि जीवन की हर अवस्था और उम्र अर्थात युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आप मेरा साथ निभाएंगे, तब मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन है, कुटुंबस्य पालन सर्वकार्य कृतु प्रतिज्ञा यति कांत कुर्या वामांग म्यामी तदाद्वतीय ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। पत्नी बनने से पूर्व फेरों के दौरान कन्या चौथा वचन लेती है कि अब तक आप गृहस्थी की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में परिवार का पालन का पूरा दायित्व आपके कंधों पर होगा। यदि आप इस भार को बहन करने का प्रण लेते हैं तो मैं आपकी वमांगी यानी पत्नी बनने को तैयार हूँ। पांचवा वचन है, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय ममापि मंत्र यथा वमांग म्यामी तथा द्वितीय ब्रूते वच पंच मत्र कन्या। परिवार को खुशी बनाए रखने के लिए कन्या अपने होने वाले वर से वचन लेती है कि जो भी आप धन कमाएंगे उस पर आपके साथ ही परिवार का भी अधिकार होगा। अंततः घर के कार्यों में, किसी से लेन देन में और अन्य किसी भी काम में व्यय करते समय आप मेरी भी सहमति लेंगे। अगला यानी छठा वचन है, नमेपमानम सविधे सखिना दुयूतना वा दुर्यवसन भंजश्वेत वमांग म्यामी तथा द्वितीय ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। अपने छठे वचन में कन्या वर से वचन लेती है कि यदि मैं अपनी सखियों के बीच या दूसरी महिलाओं के बीच बैठी हूँ तब आप किसी भी कारण से वहाँ मुझे अपमानित अनुभव नहीं कराएंगे। यदि आप जुआ, सट्टा, मदिरा जैसे दुर्व्यसनों से दूर रहने का वचन देते हैं तो मैं आपकी अर्धांगनी बनना स्वीकार करती हूँ। परिस्त्रियम मातु सुमा समिष्य स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या वमांग म्यामी तदा द्वितीय ब्रूते वचन सप्त मंत्र कन्या। अपने सातवें और अंतिम वचन के रूप में कन्या वर से वचन लेती है कि यदि आप पराई स्त्रियों को माता के समान आदर सत्कार करेंगे, हमारे आपसी विवाद में कभी किसी अन्य को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह मुझे वचन देते हैं तो मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, ये थे शादी के लिए लिए जाने वाले सात वचन। अगर आप इन वचनों का पालन करते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है, साथ ही आप अपना जीवन भगवान के आशीर्वाद से खुशी खुशी जीते हैं। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।